दोस्तों सुस्वागत है। हर बार की तरह यार इस बार भी बिग बॉस एंड हो चुका है और बिग बॉस एंड होने के बाद देश की आधी जनता ये सोचकर हैरान है कि भाई अब रात को 10 बजे देखेंगे क्या। खुशी के पल कहां एक शो जहां पर 15 लोगों को 4 महीने तक लड़ना होता है और जो सबसे अच्छी लड़ाई करता है वो बनता है बिग बॉस का विनर। एंड द विनर ऑफ बिग बॉस सीजन 16 गोज टू एमसी स्टैन। भाई एमसी स्टैन खुद शॉक में है कि यार मैं कैसे विनर बन गया। बिग बॉस के पूरे सीजन में एमसी स्टैन कहता रह गया कि भाई मेरे को घर जाना है, मेरे को घर जाना है। पर सर क्या मालूम क्यों मेरा मन नहीं लगता, लाइक 1.5-2 घंटे में मैं किसको बोलता नहीं ऐसा, लाइक पक गएंगे लोग कि मेरे को जाने का बार बार बोल के दोस्त लोग को सब लोग को। और कलर्स वालों ने कहा भाई तू घर जा लेकिन ट्रॉफी लेके जा। सोना भाई कि हर बार जो भी बिग बॉस का विनर होता है उसे टोनी कक्कर के गाने में फीचर होने का मौका मिलता है, लेकिन यार इस बार जैसा बिग बॉस का विनर है मेरे को तो लगता है यार कि टोनी कक्कर को एमसी स्टैन के गाने में फीचर होने का मौका मिलेगा। वैसे यार गाने के लिरिक्स क्या होंगे मैं बताता हूँ। नेहा का टोनी ब्रो गाने में आया तो मेरा म्यूजिक चोर, करेगा मैं आज तेरा भांडा फोर, गाना सुन के करेगी पी टाउन शोर। और भाई अगर टोनी कक्कर गाना गाया तो यार कैसा होगा। बस्ती का हस्ती 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 करेंगे मस्ती 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 मस्ती। बजट है सस्ती 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 सस्ती। आग लगा दी। मुझे यार बहुत घमंड था यार कि मैंने आज तक बिग बॉस का एक भी एपिसोड नहीं देखा, बट यार अब नहीं है। मैंने इस बार यार बिग बॉस के काफी सारे एपिसोड देखे और एक चीज जो मैंने रियलाइज की कि यार एमसी स्टैन भी बिग बॉस में उसी तरह अंदर गया था जैसे हिंदुस्तानी भाव। बट हिंदुस्तानी भाव बिग बॉस के बाहर एक दहाड़ता हुआ शेर था, लेकिन जैसे ही बिग बॉस के अंदर गया भीगे बिल्ली बन गया। Who is भाव? हिंदी टीचर। I don't give him भाव। बट एमसी स्टैन यार जैसा बिग बॉस के बाहर था वैसा ही बिग बॉस के अंदर, एंड मे बी यार दैट इज द रीजन कि यार लोगों को एमसी स्टैन की ओरिजिनलिटी पसंद आई। इवन एमसी स्टैन का तो यार बिग बॉस के अंदर अलग अलग तरह का रूप देखने को मिला, जैसे कि एमसी स्टैन बिग बॉस के अंदर रोहित शेट्टी के सामने कॉमेडी कर रहा था। इसके बिना मैं एक पल नहीं रह सकती, प्लीज देखो पापा। पहले मेकअप निकाल के इसके पास नहीं बेटी, ये तुमसे नहीं ये चिकन से प्यार करता है। मेरे को तो लगता है भाई कि ये वाला सीन सर्कस मूवी से ज्यादा फनी था। बात तो सही है। इवन एमसी स्टैन बिग बॉस के अंदर बिल्कुल वैसी फनी हरकत कर रहा था जैसे बिग बॉस के बाहर। हेलो 12 दिन 80,000 के शूज है, 80,000 के तेरा घर जाएगा इसमें। इवन यार बिग बॉस में तो एमसी स्टैन रूस्टर भी बन गया। बंदे बैठे बैठे कुछ ही बात करी, मेरे भाई झिक रहे, मैं कलेजा हूँ। एमसी स्टैन फर्स्ट इंटरव्यू सिर्फ डिजर्व करता है भाई, तो हारना लिखना भूल गया। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज, चिल्ला चिल्ला के यार पूरा शो आगे बढ़ा है और अभी इनको यहाँ पर साइलेंट चाहिए। बिग बॉस देखने के बाद भाई मेरा दिल भी दिमाग को यही कहता है। बहुत लोग यार ये कह रहे थे यार कि एमसी स्टैन बिग बॉस का विनर डिजर्व नहीं करता, तो जब ये क्वेश्चन एमसी स्टैन से पूछा गया तो उसका जवाब देते हुए एमसी स्टैन थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। भाई लोग ऐसा कह रहे हैं कि आप डिजर्विंग नहीं है क्योंकि आपने ज्यादा कुछ किया नहीं है बिग बॉस इफेक्ट में। दिस टाइम प्रियंका के फैंस भी लाइक, काश तू यार अपने गाने में भी ऐसा चुप रहता। वैसे तुमने क्या कभी लंगूर के हाथ में अंगूर देखा है? नहीं ना, एमसी स्टैन को देख लो। ऐसा भाई मैं नहीं, ऐसा प्रियंका के फैंस कह रहे हैं। अच्छा एक्चुअली हुआ ये कि जैसे ही एमसी स्टैन बिग बॉस का विनर बना तो उसको देखकर प्रियंका के फैंस नाराज हो गए और नाराज होकर यार कमेंट सेक्शन में कुछ भी लिख रहे हैं। अगर ऐसे ही फिक्स विनर बनाना है देन व्हाई यू आर सेइंग ऑडियंस टू वोट फेक, सो बॉयकॉट बिग बॉस। एक तो यार हर चीज में बॉयकॉट, भाई बॉयकॉट कोई कोरोना की वैक्सीन नहीं है जो हर किसी को लगानी ही है। लोगों का कहना है यार कि बिग बॉस ने प्रियंका को उल्लू बनाया। अब यार बिग बॉस का तो मेरे को नहीं पता, लेकिन उल्लू ऐप ने प्रियंका को लेकर काफी कुछ बनाया है। Do you know what I mean? Mind your language. She was more deserving. Feel bad for him. मुझे तो भाई तेरे लिए बुरा लग रहा है यार कि तूने जिंदगी का अपना 4 महीना बिग बॉस देखने में बर्बाद किया। प्रियंका इज द रियल विनर,
एक्चुअली भाई सलमान बॉय का भी यही मानना है। ये लड़की स्माइल करते हुए घर से निकली है, मेरे नजर में विनर ये है। पर मेरे को तो यार रियल विनर सलमान खान लगता है। भाई पिछले साल 350 करोड़ चार्ज किया था बिग बॉस को होस्ट करने के लिए, इस बार तो यार और भी ज्यादा चार्ज किया होगा। मैं नहीं बताऊंगा। जिसने कुछ नहीं किया पूरे सीजन में उसे विनर बना दिया। भाई ये कोई नासा का प्रोजेक्ट नहीं है कि जो ज्यादा मेहनत करेगा वो जीतेगा। बिग बॉस है ये, 2 महीने बाद सब भूल जाएंगे। बिग बॉस फिक्स्ड बॉस है। अच्छा प्रियंका ही विनिंग। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? बिग बॉस की फिक्सिंग का तो नहीं पता, लेकिन भाई तेरा मेंटल हेल्थ मेरे को फिक्स नहीं लग रहा। वो कुछ लोग कहते ना यार कि बिग बॉस जीतना मतलब हिस्ट्री क्रिएट करना। भाई यार ये कौन सी हिस्ट्री यार जो कि 2 महीने में सब भूल जा रहे हैं। भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ। ना एमसी स्टैन के बिग बॉस जीतने के बाद उसे 33 करोड़ रुपए नहीं मिले, 33 लाख रुपए मिले। भाई मतलब 1.5 करोड़ का वो चैन पहनता है और तुम उसे 33 लाख रुपए दे रहे हो, इतने का तो भाई इसका ब्रेसलेट भी नहीं आएगा। बट अकॉर्डिंग टू ट्रस्ट मी ब्रो सोर्सेस, एमसी स्टैन को काफी सारे गिफ्ट मिले। रोहित शेट्टी ने एमसी स्टैन को विनर बनने की ढेर सारी शुभकामनाएं दी और उन्हें इस खुशी के मौके पर बहुत ही एक्सपेंसिव मिनी कूपर कन्वर्टेबल कार गिफ्ट की है जिसकी प्राइस है 45 लाख रुपए। रोहित शेट्टी ने एमसी स्टैन को कार गिफ्ट किया हो या नहीं, लेकिन ऐसा फालतू वीडियो बनाकर इस बंदे ने खुद के लिए गिफ्ट जरूर निकाल लिया है YouTube ad revenue से। हमको पैसा चाहिए। और रोहित शेट्टी की मूवी देखने के बाद तो यार पता चल जाना चाहिए कि रोहित शेट्टी कार गिफ्ट करने के लिए नहीं ब्लास्ट करने के लिए खरीदता है। वैसे यार इस साल बहुत सारे लोगों ने अबू रोजी की क्यूटनेस को देखने के लिए बिग बॉस देखा। अरे यार नो नीड फॉर यू मेकअप, इट्स सो ब्यूटीफुल। भाई यार इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने जितना रिसर्च किया उससे मेरे को यार पता चला यार कि रियल वाला स्ट्रगल तो यार इस बंदे ने किया है। वैसे बिग बॉस में तो भाई परंपरा बन चुकी है कि हर साल कोई ना कोई जोड़ी तो बनेगी ही, और इस साल भी बनी। बट जेन्युइनली सेइंग इट। अरे सुनो ना यार, मैं कुछ सीरियसली बोल रहा हूँ। टीना, आई लव यू। अब बोल। डिनर द फन पैक्ट, दोनों एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, दोनों भाई एक दूसरे के साथ सीरियल खेल रहे हैं। एंड द रियलिटी इज कि बहुत सारे लोगों को इनका फेक लव रियलिटी लग रहा है। भाई देख बच्चों के निप्पल और बिग बॉस के कपल ज्यादा देर तक नहीं चलते। जोकर सर्कस का सबसे अहम किरदार होता है, और अगर मैं आपको इस घर का और इस शो का एक बहुत ही अहम किरदार बुलाता हूँ। हाँ भाई सही कहा, ये शो का एक अहम किरदार है जो कि सारा टाइम फटे बांस की तरह चीखता रहता था। ऐसे घटिया लोगों को पसंद नहीं करती। अरे शेमड़ी माँ है नहीं है। बिग बॉस देखो, बिग बॉस। इतना चिल्लाते थे भाई कि एक टाइम तो बिग बॉस ने भी इसको कह दिया। शट अप अर्चना। करवाली बेस्ती। आई फ्लिप एंड रोल। बस ओके होगा नहीं होगा। आई फ्लिप कितना पारिवारिक माहौल है भाई। एनीवेज आई थिंक यार आज के लिए तक काफी होगा। सो दैट इज इट फॉर टुडे। वीडियो को यार लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो का बेस्ट पार्ट तुम्हें क्या लगा यार वो कमेंट करके बताओ। क्या आडवाणी की शादी का रोस्ट वीडियो तुम देख लेना, बाकी इंस्टाग्राम पर फॉलो करो। मिलता है अगले वीडियो में, बाय।